कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जम्मू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये कन्वे करना है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जम्मू कश्मीर की हैं, ओबीसी कास्टस जो हैं, उनकी एक आध डिमांड जो थी सरकार ने एड्रेस की है, तो उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करेंगे मीडिया के थ्रू, और उम्मीद करेंगे कि जो बाकी पेंडिंग इश्यूज हैं वो भी समय के साथ उनका भी निवारण होगा। मैं थोड़ी सी विस्तार में जाता हूं कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये 1993 से जैसे पूरे भारत में मंडल कमीशन लागू हुआ था और अदर बैकवर्ड क्लास की जो डेफिनेशन पैदा हुई और लोगों को जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो पूरे भारत में दिया गया और फिर स्टेट्स में अलग से दिया गया, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत रही जिसमें वो आज 30 साल होने जा रहे हैं, आज तक वो मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है, लेकिन जो रिजर्वेशन का इशू है वो सरकार एड्रेस कर रही है, वो प्रोसेस में है, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द हो जाएगा। और एक इशू जो अभी कल ही अनाउंस हुआ जो पंचायती राज सिस्टम में और अर्बन लोकल है, इस डिसीजन को हम हेल करते हैं, स्वागत करते हैं, और इस डिसीजन से मैं ये भी कन्वे करूंगा कि ओबीसी लोग, लेकिन समय के साथ उसने अपना वायदा पूरा किया है, एक वायदा पूरा किया है कि कहीं एरिया ऑफ होप जो है हमें अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज में दिखी है। ये जो डिसीजन है ये पूरे ओबीसी वर्ग को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बहुत प्रभावी रोल प्ले करेगा, और हमें तो ये भी लगता है कि सरकार को बेनिफिट भी होगा, ये सेक्शन जो है सरकार के लिए उसकी सपोर्ट भी करने को तैयार होगी अगर सभी इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं वन बाई वन। जी सर, बंसीलाल चौधरी, मैं कन्वीनर ओबीसी महासभा, आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी ओबीसी की, आप देखे होंगे कश्मीर से बैठे हैं ओबीसी वेलफेयर फोरम के, कश्मीर से इन लोगों ने बहुत मेहनत किया कश्मीर के अंदर भी, तो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन और ओबीसी महासभा और प्रेसिडेंट्स, वो सभी ओबीसी के जिबरवादी के लोहार तहान कम्युनिटी के और सैन समाज बहुत मेहनत की, संघर्ष किया है। आपने देखा होगा, मैं आपके मीडिया से, इन्होंने 2021 में ही जब हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली तो हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम गांव-गांव में जाकर लोगों को एजुकेट करेंगे, वो अपनी आवाज़ जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ पास पहुंचाने की बात करेंगे। साथियों, संघर्ष हुआ, आज उसका परिणाम निकलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मौलाना आजाद स्टेडियम में, मैं वहाँ खड़ा था उस वक़्त, और हीरानगर में वायदा किया कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है 370 दफा का। आज प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्टार्टअप किया, देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है इस बात को कि आपने देखा होगा 26 को ओएससी से, हमें बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम से हमें कहा जाता था वीक एंड प्रिविलेज क्लासेस, ब्रैकेट में लिखा जाता था सोशल कास्ट, लेकिन पूरे भारत में ओबीसी और जम्मू कश्मीर में ओएससी, कैसा डिस्क्रिमिनेशन था हमारे साथ बहुत ज़्यादा। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हूँ इस बात को कहने के लिए, पिछली सरकारों ने हमको दबा के रखा, बिल्कुल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हम लोगों को, सबको। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पे, उनको मैं याद आता मुझे कि 1953 के अंदर 25,000 की रैली निकाली गई ओबीसी की जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन मिला क्या, से 2% सोशल कास्ट के नाम से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, प्रधानमंत्री जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपसे मेरी निवेदन यही है कि जो आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इसके अंदर अभी छोड़ा है, उस एक्ट जो 2000 का है, उसका एक्ट जो म्यूनसिपल एक्ट 2000 का, उसमें अभी अमेंडमेंट नहीं की गई है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जैसे अगर पूरे भारत में 27% रिजर्वेशन लागू है सरकारी नौकरियों के अंदर, ये जो आर्टिकल 243 D6 और T6 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 10/5/2022 की, इसके अंदर लिखा हुआ था
साथियों, जो जम्मू कश्मीर में किसी ने बात में कुछ छेड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है, महाराष्ट्र में 1993 से, यूपी के अंदर पूरी स्टेटों के अंदर ये पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन चल रही थी। 1991 कब हुआ? आज 32 साल हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया बिल्कुल आज तक। मेरा यही निवेदन है प्रधानमंत्री जी, अगर आपने शुरुआत की है, आपने अपना वायदा जो पूरा किया था उस कमिटमेंट को पूरी करने पे आए हैं आप, लेकिन एक बात है कि ओबीसी को मद कहने का इनकी गिनती भी करिए। जम्मू कश्मीर में अगर मामला आ रहा था इस बात के लिए, हर बार जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं, चाहे कमीशन के बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास जाएं, वो हमें पूछते हैं आपकी आबादी कितनी है, देयर इज नो आंसर, क्योंकि 1931 के बाद कोई गिनती नहीं हुई है। अरे भाई, जब जानवरों की गिनती होती है, जब ट्रांसपोर्ट की गिनती होती है, जब बच्चों की पढ़े लिखे की गिनती होती है, सीनियर सिटीजन देश के अंदर कितने हैं, भारत में नारियाँ कितनी हैं, तो फिर ओबीसी की गिनती क्यों रोकती है 1931 के बाद? गिनती का सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारी आज डिस्क्रिमिनेशन आज तक जम्मू कश्मीर के मैं हमारे साथ होता रहा इसी बेस पे कि हमारी गिनती नहीं थी, तो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि चुनाव आ रहा है 2024 के अंदर, प्रधानमंत्री जी फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नौकरी में 27% रिजर्वेशन, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, उनके अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी यही कहूँगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो बंद किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, और अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज सिस्टम में जो पार्लियामेंट का सेशन लगना है, अभी आने काउंट बजट सेशन होगा, उसके अंदर इनको पास करके पूरे प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। यही मेरी अंतिम आपसे रिक्वेस्ट है। सभी लोग जहाँ बैठे हमारे बड़े बड़े सीनियर